और भाई लोग यार कैसे हो सब, आई होप सब ठीक होंगे। तो आ जाओ फिर से देखते हैं बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स को। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रिक नंबर फर्स्ट को करने के लिए आपको एक पानी वाली गाड़ी या फिर लैम्बोर्गिनी कार को पीक के पास इस ट्रक के पीछे इस तरीके से लगा देना है। और इसके बाद जैसे आप लोग गेट आउट करोगे, आप लोग इस तरीके से जमीन के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे क्राउच करके इजिली रैंक पुश कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से आप लोग हाइड हो जाओगे और आप लोग इस तरीके से इस गैप में से एनिमी को किल भी कर सकते हो। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको जॉयस्टिक को यूज करना, तो इसलिए आप लोग भी आ जाओगे। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, यहाँ पे ग्लोबल स्कूल के पास। और यहाँ पे खड़े होने के बाद जैसे आपका स्क्रीन ब्लैक हो, उसी टाइम पे आपको जल्दी से डाटा को ऑफ कर लेना है। और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस में। और यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस में टच करने के बाद आपको सिंपली डाटा को वापस से ऑन करना है। और इसके बाद आपको वेट करना है पिंक के नॉर्मल होने का। और पिंक नॉर्मल होने के बाद आप लोग ग्लोबल स्कूल के अंदर चले जाओगे और यहाँ पे आपको डैमेज ले लेना है। और जैसे आपका पूरा हेल्थ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे जीरो हेल्थ बचेगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे जिंदा रहोगे, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और इसके बाद आपको ऊपर से बैक करके बाहर आ जाना है और यहाँ पे भी आपका हेल्थ जीरो ही दिखेगा। और अगर आप लोग कॉम्बैट जोन में जाते हो वहाँ भी आपको जीरो हेल्थ देखने को मिलेगा। और जैसे कोई भी एनिमी आपको यहाँ पे डैमेज करेगा तो आपका सारा हेल्थ वापस आ जाएगा। और नेक्स्ट ट्रिक को करने के लिए आपको रैम्पेज यूनाइटेड मोड में आ जाना है। और अगर आपका गेम क्लॉक टावर में लगा है तो सिंपली आपको जोन के बाहर इस घर के पास आना है और यहाँ पे आपको खिड़की से जंप करने का ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोग खिड़की से जंप नहीं कर पाओगे और आपका कैरेक्टर इस तरीके से बाहर अंदर होगा, जो कि देखने में यार काफी ज्यादा फनी लगता है, आप लोग भी ट्राई करना। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक को। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको बॉम्ब स्क्वाड में आ जाना है और आपको सिंपली एनिमी या फिर किसी भी चीज से किल हो जाना है। और जैसे ही आपका कैरेक्टर का बॉडी जमीन पे गिरे, उसी टाइम पे आपको गेम को कट कर देना है पूरा। और उसके बाद सिंपली आपको रिकनेक्ट करके गेम में वापस आ जाना है और उस वाले राउंड को फिनिश होने का वेट करना है। और जैसे आप लोग अगले राउंड में जाओगे तो आप लोग स्क्वाड में यहाँ पे एक एनिमी आ चुका होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भाई मैं इसको कितना ज्यादा मार रहा हूँ लेकिन ये मर ही नहीं रहा। एक्चुअली में भाई ये कोई एनिमी नहीं है, ये मेरा फ्रेंड ही है, लेकिन इसके नाम यहाँ पे हाइड हो चुका है और ये एनिमी की तरह दिख रहा है, जो कि यार काफी ज्यादा अमेजिंग दिखता है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको A124 कैरेक्टर को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। और इसके बाद आपको एडम के ऊपर एम करके स्कोप ओपन करना है। और इतना करने के बाद आपको फायर और स्कोप आउट पे एक साथ प्रेस करना है। और ये करते टाइम आपके गन से गोली नहीं निकलना चाहिए और आप लोग इसके बाद अपने एम को भी मूव नहीं कर पाओगे, तो समझ जाना आपकी ट्रिक हो चुकी है। और इतना करने के बाद आपको कैरेक्टर के एबिलिटी को दो बार प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग ये करोगे, आपका यहाँ पे कैरेक्टर से इस तरीके से रेड एम निकलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग कॉम्बैट जोन में जाओगे वहां पर भी ऐसा ही एम दिखता है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, हैकर वाली फीलिंग आती है। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की। और इस ट्रिक को करने के लिए आपको बॉम्ब स्क्वाड में आ जाना है और यहाँ पे आपके पास पहले से एक ग्लोवाल होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको एक ग्लोवाल को परचेज करना है और उस ग्लोवाल को ड्रॉप कर देना है, तो आप लोग एक और ग्लोवाल को खरीद पाओगे। और इसके बाद आपके पास टोटल तीन ग्लोवाल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग दो ही ग्लोवाल को उठा पाओगे। तो तीनों को उठाने के लिए आपको सिंपली बैग से एक ग्लोवाल को वापस से ड्रॉप करना है और यहाँ पे इन दोनों ग्लोवाल पे आपको दो उंगली से एक साथ टच करना है। इसके बाद आपके बैग में यहाँ पे तीन ग्लोवाल हो जाएगा और तीनों ग्लोवाल को लेके आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से इस घर के ऊपर तीन ग्लोवाल को लगा देना है। आप लोग अच्छे से देख लो मैंने कैसे लगाया है। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर चढ़ना है और बॉक्स की हेल्प से आपको इस दीवार के ऊपर आ जाना है और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है और यहाँ से जंप करके इस घर के ऊपर आ जाना है। और यहाँ से आप लोग जंप करके इजिली ग्लोवाल के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से ऊपर आने के बाद आप लोग छत पर आ जाओगे और यहाँ से इजिली एनिमी को किल कर सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर अपने आप ही एलिमिनेट हो जाओगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी हुआ ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका हूँ, पता नहीं कैसे। सो एनीवेज अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की। और इस ट्रिक को करने के लिए आपके पास एक स्नाइपर होना चाहिए और इसके बाद आपको फायर बटन को होल्ड करके रखना है, तो आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली वुकोंग के एबिलिटी को यूज करना है और उसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपका कैरेक्टर इस तरीके से दिखने लगेगा। उसके बाद सिंपली आपको जिपलाइन के पास जाना है और जिपलाइन को जंप करके यूज कर लेना है। तो जैसे आप लोग जिपलाइन को जंप करके यूज करोगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा, कितना ज्यादा फनी तरीके से जिपलाइन पे चल रहा है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।